हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी नोटिफिकेशन के बारे में जो कैंडिडेट शिक्षा विभाग में जाना चाह रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, इसमें टोटल पोस्ट कितना है, पोस्ट नेम क्या है, इसमें एग्जाम फीस क्या लिया जा रहा है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं, एक एक स्टेप आपको बताएंगे कहाँ पे मतलब क्या है क्या नहीं है। पूरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले पे पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि प्रयागराज यानी कि UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। सीधे देखो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक जो है डायरेक्टली ओपन करके भी खुद से चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं पूरी डिटेल में, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पे देख रहे हो एग्जामिनेशन नेम, यहाँ पे देखो ये सीधी भर्ती। इस वीडियो इस पोस्ट के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में पूरी डिटेल में बात की है। तो आज हम इस पोस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो तीन पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है, एक हो रहा सीधी भर्ती, यहाँ पे देखो सेकंड में है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश यानी कि शिक्षा विभाग कॉलेज के एजुकेशन डिपार्टमेंट जाने के लिए, यहाँ पे देखो सीधी भर्ती। तो ये जो है ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है दूसरी वीडियो में। आज हम तो हम इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा। यहाँ पे देखो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, स्टार्ट डेट यानी जो है 22 तारीख से ही स्टार्ट कर दिया गया है, आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। यहाँ पे फी जो है डिपोजिशन लास्ट डेट जो है यानी फॉर्म फिलअप कर दो, और अगर कोई एग्जाम फी जो है अगर किसी ने डिपॉजिट नहीं किया, ऑनलाइन नहीं पेमेंट किया, तो उसके लास्ट डेट जो है 18 जनवरी 2021 से पहले पहले तक यानी 18 तक आपके पास टाइम है, उससे पहले कर देना। और पूरा कंप्लीट फॉर्म जो होता है उसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 22 जनवरी 2021। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो ये इंस्ट्रक्शन बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर नोटिफिकेशन यानी इसमें क्या है क्या नहीं। यहाँ पे देख रहे हो व्यू डिटेल पीडीएफ फाइल भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंग्लिश पीडीएफ फाइल, यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे भी हिंदी में डॉक्यूमेंट। तो हम चलिए इंग्लिश पीडीएफ में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जब इंग्लिश पीडीएफ में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ बताया गया कि हेल्प सैंपल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन का बताया गया, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो सबसे पहले हम चलिए एडवर्टीजमेंट नंबर के, यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, आप यहाँ पे देख रहे हो लेक्चरर के लिए निकला है, मेल फीमेल दोनों के लिए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी में होता है, GIC के नाम से जाना जाता है यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो कि बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास ऑलरेडी PG जो कैंडिडेट कर रखा है। यहाँ पे देखो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 दिसंबर से जो है ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ पे देखो लास्ट डेट जो है फी का जो है 18 जनवरी रखा गया, और होल कंप्लीट ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है 22 जनवरी 2021 का रखा गया। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो फीस में जो है यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे हो एग्जाम फीस जो है SC ST वालों के लिए टोटल 65 रुपीज, हैंडीकेप वालों के लिए 25 और सर्विस मैन यहाँ पे। और अगर और पूरी जनरल OBC वालों की बात करें तो यहाँ पे देखो आप नीचे साइड में दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हो अनरिजर्व इकोनॉमी के लिए यानी कि EWS वालों के लिए, जनरल के लिए, वीकर सेक्शन, इसके लिए टोटल 125 रुपीज। फीस भी बहुत कम है और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितना पोस्ट है, कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ सब्जेक्ट दिया गया यानी कि GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आपको लेक्चरर आइजर लेक्चरर के रूप में आपको फॉर्म भरना है, एज ए लेक्चरर के लिए वैकेंसी निकाली है। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे नेम ऑफ सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट में PG कर रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, ये टोटल बताया गया। और उसी के सामने देख रहे हो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व, इस उसके बाद कैटेगरी वाइज भी कर दिया गया है, अनरिजर्व वालों के लिए कितनी, EWS वालों के लिए कितनी, OBC SC ST। तो पूरी डिटेल जो है आप नोटिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं नोटिफिकेशन का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली जब ओपन वहाँ से करोगे तो आपके मोबाइल या लैपटॉप PC जो भी आप यूज करते हो उसमें आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना आप किस सब्जेक्ट में PG कर रखे हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस क्या है, ये देख लेना अपने अकॉर्डिंग गाइस। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो हिंदी में भी नोटिफिकेशन बता दिया गया है और इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। 11 पेज का नोटिफिकेशन है, फिर हम यहाँ पे टोटल चीज़ बताया गया है, डाउनलोड कैसे करेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह,
ये देखो उत्तर प्रदेश पब्लिशर मिशन का, फिर उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगी तो यहाँ पे देखो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लाभार्थी तो उनके लिए कुछ घोषणा पत्र, कुछ फॉर्म दिए गए हैं, वो फॉर्म फिलअप करके भी दे सकते हैं। और ये स्पेशली ये जो है हैंडीकेप वालों के लिए फॉर्म बता दिया गया यहाँ पे, और ये देखो ये भी फॉर्म दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, और अपने अकॉर्डिंग ही भरना, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाला है। ये देखो उर्दू में भी बताया गया, यानी कि तीनों लैंग्वेज इसमें इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, इंग्लिश उर्दू हिंदी, जो कि बहुत अच्छा है। जो लोग जो लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, जानते हो, उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो सेम चीज़ है, एडवर्टीजमेंट नंबर, इंग्लिश PDF, हिंदी PDF और इंग्लिश डॉक्यूमेंट और हिंदी डॉक्यूमेंट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैंपल कॉपीज, यहाँ पे सैंपल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन। सैंपल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन में देखो यहाँ पे क्या बता दिया गया है, यहाँ पे सैंपल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखो रिलोड हो रहा है, बस कुछ ही मिनटों में ये रिलोड हो जाएगा। ये मैं जो है सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, वहां पे से आप देख लेना। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने कैंडिडेट PG कर रखा है अपने सब्जेक्ट में, और उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखो ये आपका नोटिफिकेशन जो है रजिस्ट्रेशन का जो हो गया है डाउनलोड, ये भी 11 पेज का, इसमें बता दिया कि किस तरह से है। यहाँ पे जब आप आओगे मैं अभी करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से करना है। यहाँ पे देखो पूरी डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया है, आप भी कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कहीं भी प्रॉब्लम आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए एक आसान लैंग्वेज में वीडियो बना सकूं और ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे सेकंड देख रहे हो सेम चीज, कैंडिडेट फाइनल सबमिट फॉर्म जब आप करोगे तो ये देखो सेम चीज है ना गाइस। तो ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, और ताकि मेरा मकसद सिर्फ है ताकि ये आप तक ये वीडियो पहुँच जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट लेटेस्ट वैकेंसी आए और जॉब रिलेटेड जो भी मतलब आए वैकेंसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में एडमिशन वगैरह, इस चैनल पर हर चीज़ टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हर चीज़ जो है इस पर अपलोड कर दिया जाता है। और अगर आप डिमांड करेंगे कि सर आप इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे देख रहे हो जब ये आप ओपन करोगे UPSSC प्रयागराज के, तो यहाँ पे देखो सेकंड में जो आया है यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे देख रहे हो यूजर इंस्ट्रक्शन आप देख लोगे सेम चीज है। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जब अप्लाई करोगे तो इस तरह से ऑटोमेटिक ये लिंक ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हो ना शिक्षा विभाग पुरुष शाखा, ये पुरुष शाखा यानी कि आप किस कैटेगरी में, सैलरी की बात करें सैलरी भी बहुत अच्छा है, 9300 पे स्केल है, जो कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हिंदी में जो है 98 पोस्ट हैं। ये क्वालिफिकेशन अगर आप बात करो तो क्वालिफिकेशन आप देख लो, यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन जो है हिंदी में स्नातकोत्तर, यानी कि PG होना कंपलसरी है, PG होना चाहिए आपके पास, ये अनिवार्य यहाँ पे बता दिया गया है गाइस, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और फीस की बात करें तो फीस ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है ST ST वालों की क्या लगेगी, यहाँ पे सेम चीज इसमें दर्शाया गया है। फिर उसी तरीका से अंग्रेजी वालों के लिए पोस्ट देखो 100 है, उसी तरीका से रसायन विज्ञान वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए, गणित वालों के लिए, है ना, सभी की। जैसे सपोज मुझे गणित का देखना है तो गणित पे व्यू पे क्लिक करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि गणित में PG होना चाहिए और अनिवार्य कंपलसरी है, और जो फीस लगेगी उसकी है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया कि अगर आपके पास प्रिफ्रेंस दिया जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आप राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा कर रखे हो तो और आपको अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। अगर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक अगर कोई प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आपको प्रिफ्रेंस मिलेगी, और ये फीस बता दिया गया है। और अगर जैसे अब मुझे सपोज हिंदी में करना है तो हिंदी के सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करना, जैसे गणित पे करना है अगर रजिस्ट्रेशन हिंदी में, मान लिया अगर हिंदी का फॉर्म मुझे आएगा, मैं हिंदी का सब्जेक्ट हूँ, हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी में मैंने PG कर रखा, तो उस पर जब क्लिक करोगे फिर यहाँ पे जब आएगा
यहाँ पे देख रहे हो कि आपने पूर्व में कभी भी लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद हेतु आवेदन किया, अगर आपने किया है यूपीएससी में तो यस पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं किया है तो नहीं, आप अपने देख लेना। अगर सपोज मैंने किया है तो यस, नहीं किया है तो नो लिख देंगे। जब नो लिखोगे तो फिर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे देखो एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह बता दिए गए, अप्लाइड फॉर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, एग्जामिनेशन फी, सॉरी एग्जामिनेशन नेम, शिक्षा विभाग, यहाँ पे डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज यानी 1/7/2020 को होना चाहिए आपका। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके आपसे ही रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे आप डोमिसाइल यूपी से हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है आर यू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय हो, अगर यूपी में काम कर रहे हो, एज अ कहीं पे गवर्नमेंट जॉब है आपकी तो यस लगाएंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। यहाँ पे हैव यू एवर बीन डिवियर फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर यहाँ पे उसी तरीके से यस नो कर देना, कैटेगरी भी कर देना जो आपकी कैटेगरी होगी, ओबीसी, जनरल एससी जो भी है आपकी। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, फिर जेंडर लिखोगे, फिर यहाँ पे आर यू मैरिड, अगर आप शादीशुदा हो तो ठीक है, अदरवाइज नो हो तो यस। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर दे के ईमेल आईडी दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल आप किस बोर्ड से किए हो, यूपी बोर्ड से किए हो, अदर बोर्ड से किए हो, आप कब पास किए हो, उसके रोल नंबर क्या है। फिर इंटरमीडिएट की हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, आपने इंटरमीडिएट, और बेसिकली अगर ये पोस्ट है पीजी वालों के लिए तो ऑलरेडी आपने कर रखा है तो यस पे यहाँ पे टिक लगा करके, फिर उसका बोर्ड का नाम लिखोगे, पासिंग या रोल नंबर लिखोगे, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे लिखेंगे यस, अदरवाइज नहीं। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला, स्नातक विश्वविद्यालय रांची के साथ प्रमाण पत्र, अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र हो इससे रिलेटेड तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चर आप फिल करोगे, कैप्चर फिल करके यहाँ पे आप वैलिडेट एंड प्रीव्यू देख करके फिर आगे नेक्स्ट सबमिट करोगे। फिर जब करोगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, फिर आप लॉग इन करके वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जो भी मांगा जाएगा पेमेंट वगैरह का आप प्रोसेस जाओगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो उनको पता नहीं होता है, और जब लास्ट डेट खत्म हो जाती है तो उनको फिर बाद में पता चलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक फैला दो, पहुँचा दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक जल्दी से पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।